दोस्तों, आप सभी का अद्भुत दुनिया में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। यह तेलंगाना प्रदेश का जाने माने शहर का पार्क है, जिसका नाम है दुर्गम चेरू। इसकी बहुत सारी खासियत है इस पार्क की। वैसे इस शहर में बहुत सारे पार्क हैं, लेकिन यह पार्क इसलिए अद्भुत है कि पार्क के अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, जो आगे आपको दिखाया जाएगा। तो अभी हम बाहर हम देख रहे हैं कि ये बाइक स्टैंड है। यहाँ पे बाहर से आने वाले लोग अपनी बाइक खड़ी करते हैं। बाहर का भी सुंदरीकरण काफ़ी अच्छा किया गया है। बाइक स्टैंड के अलावा कार पार्किंग भी दिया गया है, और कार पार्किंग की भी एरिया काफ़ी अच्छी है। इस पार्क के सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल जिसका नाम है इनऑर्बिट मॉल, बहुत सारी कंपनियां, आईटी कंपनियां, ये आप देखिए एनसीसी, और अब हम चलते हैं पार्क के अंदर। ये देखिए, ये बोर्ड लगाया गया है कि कब इसका उद्घाटन किया गया है। बहुत ये पार्क तो बहुत पुराना है, लेकिन अभी इसको आधुनिक रूप दिया गया है। ये देखिए, इसमें बहुत सारी कलाकृतियां की गई हैं, जो इस पार्क की सुंदरता बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस पार्क की बहुत खासियत है, और अब आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये पैदल टहलने के लिए ये एरिया बनाया गया है। यहाँ पे लोग पैदल टहलते हुए आ भी रहे हैं। जो अद्भुत खूबियाँ मैं बताया था, देखिए ये पार्क के किनारे पे बहुत बड़ा लेक है, बहुत बड़ा तालाब है, और तालाब को काफ़ी तालाब में ये देखिए, तालाब में दो बड़े बड़े बगुले बनाए गए हैं। अभी पानी थोड़ा कम हो गया है। ये है वॉकिंग एरिया। और इस वॉकिंग एरिया के बगल में भी बहुत सारी बिल्डिंगें हैं। चारों तरफ वॉकिंग एरिया के अगल बगल भी पेड़ पौधे लगाए गए हैं, फूल पत्तियां लगी हुई हैं। एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गया था, देखिए इसी तालाब के बीचों बीच मेट्रो के लिए
जो मेट्रो ट्रेन चलेगी उसकी पटरी की व्यवस्था की जा रही है, उसकी पटरी बनाई जा रही है, अभी वो निर्माणाधीन है। बीच बीच में भी बहुत सारी सुंदर चित्रकारी की गई है, ये देखिए। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगा। ये देखिए, यहाँ पे शूटिंग के लिए भी लोग आते हैं, लेकिन शूटिंग का अभी ये टहलने का समय दिया गया है, यानी 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक टहलने के लिए समय दिया जाता है। ये देखिए, यहाँ शूटिंग के लिए व्यवस्था दी गई है। और ये देखिए, ये कुछ फ़ोटो शूट कराने वाले लोग आ रहे हैं। यहाँ पे दिल बनाया गया है, यहाँ पे बहुत सारे लोग फोटो खिंचवाते हैं। यह है कैमरामैन। और यह है पिकअप द डे। मैंने आप लोगों से बताया था कि आप इस शहर में अन्य शहरों में भी बहुत सारे पार्क देखे होंगे, लेकिन यह पार्क अद्भुत इसलिए है कि यहाँ पे बच्चे बूढ़े सभी के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था की गई है। अब यहाँ पे देखिए, ये पूरी एरिया बच्चों को खेलने के लिए, छोटे छोटे बच्चे आते हैं और काफ़ी एंजॉय करते हैं। ये देखिए, ये बच्चों के खेलने की एरिया है। ये देखिए, इसके अलावा यहाँ चेस खेलने के लिए एक बड़ा सा चेस बोर्ड बनाया गया है। अद्भुत बात जो थी वो ये थी कि यहाँ पे व्यायाम की सारी सुविधाएं हैं। तो इस पार्क में घूमने के अलावा आपको शारीरिक लाभ भी, शारीरिक स्वास्थ्य को भी ठीक रख सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही अद्भुत लोग टहल रहे हैं, दौड़ रहे हैं।
मेरे कहने का मतलब ये था कि ये जो पार्क है ये अद्भुत इसलिए है कि यहाँ पे घूमने के अलावा अलावा आप शरीर से भी स्वस्थ होंगे, मन से भी स्वस्थ होंगे, यानी तन मन दोनों से आप स्वस्थ बनेंगे, क्योंकि यहाँ बच्चों के लिए खेलने की व्यवस्था की गई है, बड़ों के लिए एक तरह से जिम सेंटर ही बना दिया गया है। आप अलग अलग प्रकार के शारीरिक व्यायाम कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए, तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, दूसरों में शेयर करें। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, एक प्रश्न है उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। प्रश्न यह है कि यह तेलंगाना प्रदेश के किस शहर में का पार्क है, यह तेलंगाना प्रदेश के किस शहर का यह पार्क है, कमेंट बॉक्स में अपना जवाब बताने की कृपा करें। धन्यवाद।